नंबर 45 विश्व के ऊर्जा संसाधन। प्रश्न एक, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के नवीकरण योग्य संसाधन हैं? नंबर एक परमाणु ऊर्जा, नंबर दो प्राकृतिक गैस, नंबर तीन जल विद्युत, नंबर चार सौर ऊर्जा। उत्तर है 3 एवं 4 अर्थात जल विद्युत और सौर ऊर्जा। प्रश्न दो, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत हैं? नंबर एक पवन ऊर्जा, नंबर दो भूतापीय ऊर्जा, नंबर तीन ज्वारीय ऊर्जा, नंबर चार सौर ऊर्जा। उत्तर है 1, 2, 3 एवं 4 अर्थात 1 पवन ऊर्जा, 2 भूतापीय ऊर्जा, 3 ज्वारीय ऊर्जा, 4 सौर ऊर्जा। प्रश्न 3, विश्व के कुल ऊर्जा उत्पादन में योगदान के आधार पर निम्नलिखित साधनों का सही अवरोही क्रम है, ए पेट्रोलियम कोयला प्राकृतिक गैस जल विद्युत, बी पेट्रोलियम कोयला जल विद्युत प्राकृतिक गैस, सी कोयला पेट्रोलियम जल विद्युत प्राकृतिक गैस, डी कोयला पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस जल विद्युत। उत्तर है ए पेट्रोलियम कोयला प्राकृतिक गैस जल विद्युत। प्रश्न 4, विश्व के कुल व्यापारिक ऊर्जा उत्पादन का सर्वाधिक भाग किस स्रोत से प्राप्त होता है, ए कोयला, बी प्राकृतिक गैस, सी पेट्रोलियम, डी परमाणु ऊर्जा। उत्तर है बी प्राकृतिक गैस। प्रश्न 5, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत नहीं है, ए खनिज तेल, बी समुद्री ऊर्जा, सी कोयला, डी जल विद्युत। उत्तर है बी समुद्री ऊर्जा। प्रश्न 6, पेट्रोलियम पदार्थ निम्नलिखित में से कहां से प्राप्त होते हैं, ए ज्वालामुखी चट्टानों से, बी तलछटी चट्टानों से, सी कायांतरित चट्टानों से, डी आग्नेय चट्टानों से। उत्तर है सी कायांतरित चट्टानों से। प्रश्न 7, पेट्रोलियम के संचित भंडार की दृष्टि से निम्नलिखित देशों का सही अवरोही क्रम है, ए सऊदी अरब, इराक, ईरान, कुवैत, बी सऊदी अरब, कुवैत, इराक, ईरान, सी सऊदी अरब, इराक, कुवैत, ईरान, डी सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत। उत्तर है ए सऊदी अरब, इराक, ईरान, कुवैत। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है, नंबर एक लीबिया, नंबर दो वेनेजुएला, नंबर तीन इंडोनेशिया, नंबर चार उरुग्वे। उत्तर है 2 एवं 4 अर्थात वेनेजुएला और उरुग्वे। प्रश्न 9, निम्नलिखित में से कौन सा देश एक वर्ष में सर्वाधिक मात्रा में कच्चे तेल का उत्पादन करता है, ए इराक, बी ईरान, सी सऊदी अरब, डी रूस। उत्तर है सी सऊदी अरब। प्रश्न 10, किस देश में सबसे अधिक खनिज तेल के संचित भंडार हैं, ए ईरान, बी इराक, सी कुवैत, डी सऊदी अरब। उत्तर है डी सऊदी अरब। प्रश्न 11, बाकू किस लिए प्रसिद्ध है, ए सघन रेल परिवहन जाल, बी गहन कृषि, सी खनिज तेल, डी विनिर्माण उद्योग। उत्तर है सी खनिज तेल। प्रश्न 12, मध्य पूर्व के खनिज तेलों में अग्रणी उत्पादक हैं, ए ईरान, बी इराक, सी कुवैत, डी सऊदी अरब। उत्तर है डी सऊदी अरब। प्रश्न 13, ओपेक देशों में खनिज तेल का सबसे अधिक उत्पादन करता है, ए कुवैत, बी यूएई, सी सऊदी अरब, डी वेनेजुएला। उत्तर है सी सऊदी अरब। प्रश्न 14, गैर तेल निर्यातक देशों में खनिज तेल उत्पादन में अग्रणी देश है, ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी रूस, सी दक्षिण कोरिया, डी जर्मनी। उत्तर है ए संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न 15, विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा आयातक है, ए जापान, बी चीन, सी रूस, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। उत्तर है डी संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न 16, खनिज तेल का प्रथम कुआं 1859 ईस्वी में किस देश में खोदा गया, ए रूस, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी सऊदी अरब, डी कुवैत। उत्तर है बी संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न 17, म्यांमार का पेगुयोमा क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है, ए चांदी, बी तांबा, सी टिन, डी खनिज तेल। उत्तर है डी खनिज तेल। प्रश्न 18, किरकुक निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंधित है, ए लौह अयस्क, बी कोयला, सी खनिज तेल, डी परमाणु खनिज।
उत्तर है सी, खनिज तेल। प्रश्न 19, विश्व का सबसे बड़ा खनिज तेल उपभोक्ता देश है, ए जापान, बी रूस, सी चीन, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। उत्तर है डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न 20, किस देश में सर्वप्रथम पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ, ए रूस, बी ईरान, सी सऊदी अरब, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। उत्तर है डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। पृष्ठ 339, प्रश्न 21, खनिज तेल का काफी संरक्षित भंडार होते हुए कौन सा देश उसका आयात करता है, ए भारत, बी यूके, सी यूएसए, डी इंडोनेशिया। उत्तर है सी, यूएसए। प्रश्न 22, निम्न पेट्रोलियम उत्पादक देशों में से कौन ओपेक का सदस्य नहीं है, ए नॉर्वे, बी इंडोनेशिया, सी वेनेजुएला, डी ईरान। उत्तर है ए नॉर्वे। प्रश्न 23, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस एवं जल सामान्यतः एक साथ पाए जाते हैं, ऊपर से नीचे की ओर इनका सही क्रम क्या होगा, ए पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस जल, बी जल प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम, सी प्राकृतिक गैस जल पेट्रोलियम, डी प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम जल। उत्तर है डी, प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम जल। प्रश्न 24, विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है, ए रूस, बी भारत, सी कनाडा, डी जायरे। उत्तर है डी, जायरे। प्रश्न 25, कनाडा स्थित अंधी घाटी क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ए यूरेनियम, बी थोरियम, सी कोयला, डी निकेल। उत्तर है ए यूरेनियम। प्रश्न 26, विश्व में यूरेनियम के महत्वपूर्ण उत्पादक हैं, ए जायरे एवं जाम्बिया, बी चीन एवं ब्राजील, सी संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा, डी रूस एवं फ्रांस। उत्तर है सी, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा। प्रश्न 27, थोरियम का सबसे अधिक भंडार कहाँ पाया जाता है, ए भारत, बी रूस, सी चीन, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। उत्तर है ए भारत। प्रश्न 28, निम्न में से किसको स्ट्रेटेजिक मिनरल्स कहा जाता है, ए लौह धातु, बी खनिज तेल, सी सोना व चांदी, डी परमाणु खनिज। उत्तर है डी, परमाणु खनिज। प्रश्न 29, विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ए भारत, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी जर्मनी, डी भूतपूर्व सोवियत संघ। उत्तर है सी, जर्मनी। प्रश्न 30, विश्व में पवन ऊर्जा उत्पादक देशों में भारत का कौन सा स्थान है, ए दूसरा, बी तीसरा, सी चौथा, डी पांचवा। उत्तर है डी, पांचवा। प्रश्न 31, पवन ऊर्जा उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम है, ए जर्मनी, अमेरिका, डेनमार्क, स्पेन तथा भारत, बी जर्मनी, अमेरिका, स्पेन, डेनमार्क तथा भारत, सी जर्मनी, स्पेन, अमेरिका, डेनमार्क तथा भारत, डी जर्मनी, डेनमार्क, स्पेन, अमेरिका तथा भारत। उत्तर है ए जर्मनी, अमेरिका, डेनमार्क, स्पेन तथा भारत। प्रश्न 32, निम्नलिखित में से किन देशों के औद्योगिक विकास में जल विद्युत का महत्वपूर्ण योगदान है, ए अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, बी कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, सी जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, डी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी। उत्तर है बी, कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन, स्विट्जरलैंड। प्रश्न 33, सन 1883 में विश्व के किस देश में सर्वप्रथम जल विद्युत की स्थापना की गई, ए भारत, बी फ्रांस, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी रूस। उत्तर है बी, फ्रांस। प्रश्न 34, विश्व के किस महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति की संभाव्यता सर्वाधिक है, ए उत्तर अमेरिका, बी दक्षिण अमेरिका, सी एशिया, डी अफ्रीका। उत्तर है डी, अफ्रीका। प्रश्न 35, संभाव्य जल विद्युत शक्ति का न्यूनतम विकास किस महाद्वीप में हुआ है, ए एशिया, बी यूरोप, सी अफ्रीका, डी उत्तर अमेरिका। उत्तर है सी, अफ्रीका। प्रश्न 36, पर्यावरण के अनुकूल होने के कारण निम्न में से किसे श्वेत कोयला के नाम से जाना जाता है, ए ताप विद्युत, बी परमाणु विद्युत, सी जल विद्युत, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है सी, जल विद्युत। प्रश्न 37,
विश्व की सभी नदियों में किसकी संभावित जल विद्युत क्षमता अधिकतम है? ए कांगो नदी, जायरे नदी, बी नील नदी, सी अमेजन नदी, डी मिसिसिपी नदी। उत्तर है ए कांगो नदी, जायरे नदी। प्रश्न 38। विश्व में अधिकतम संभावित जल शक्ति वाले कतिपय नदी बेसिन हैं? ए कांगो कोलंबिया यांगटसी, बी कांगो अमेजन नर्मदा, सी कोलोरेडो नर्मदा सेंट लॉरेंस, डी नील अमेजन ओब। उत्तर है ए कांगो कोलंबिया यांगटसी। प्रश्न 39। विद्युत उत्पादन के लिए भूतापीय ऊर्जा का प्रयोग सबसे पहले किस देश में किया गया? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी जापान, सी जर्मनी, डी इटली। उत्तर है डी इटली। प्रश्न 40। किस देश में जल विद्युत ही विद्युत ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है? ए स्विट्जरलैंड, बी नॉर्वे, सी स्वीडन, डी इटली। उत्तर है ए स्विट्जरलैंड। प्रश्न 41। जल विद्युत उत्पादन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त भौगोलिक दशाएं किस देश में उपलब्ध हैं? ए नेपाल में, बी कांगो गणराज्य में, सी स्विट्जरलैंड में, डी कनाडा में। उत्तर है कांगो गणराज्य में। प्रश्न 42। कोयला की सर्वोत्तम किस्म है? ए एंथ्रासाइट, बी बिटुमिनस, सी लिग्नाइट, डी पीट। उत्तर है ए एंथ्रासाइट। प्रश्न 43। विश्व में पाया जाने वाला अधिकांश कोयला किस प्रकार का है? ए एंथ्रासाइट, बी बिटुमिनस, सी लिग्नाइट, डी पीट। उत्तर है बी बिटुमिनस। प्रश्न 44। सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है? ए एंथ्रासाइट, बी बिटुमिनस, सी लिग्नाइट, डी पीट। उत्तर है डी पीट। प्रश्न 45। कोयला की कौन सी किस्म भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है? ए एंथ्रासाइट, बी बिटुमिनस, सी लिग्नाइट, डी पीट। उत्तर है सी लिग्नाइट। प्रश्न 46। एंथ्रासाइट कोयला में कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है? ए 30-45%, बी 45-70%, सी 70-90%, डी 90% से अधिक। उत्तर है डी 90% से अधिक। प्रश्न 47। विश्व में उत्पादित होने वाले कुल कोयला में एंथ्रासाइट कोयला का योगदान होता है? ए 5%, बी 10%, सी 15%, डी 50%। उत्तर है ए 5%। प्रश्न 48। विश्व में उत्पादित कुल कोयला का कितना प्रतिशत हिस्सा बिटुमिनस कोयला का होता है? ए 50%, बी 60%, सी 70%, डी 80%। उत्तर है डी 80%। प्रश्न 49। कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? ए आग्नेय चट्टान, बी अवसादी चट्टान, सी रूपांतरित चट्टान, डी ज्वालामुखी चट्टान। उत्तर है बी अवसादी चट्टान। प्रश्न 50। विश्व में कोयला का सर्वाधिक संचित भंडार किस देश में है? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी रूस, सी चीन, डी भारत। उत्तर है ए संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न 51। संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है? ए पेंसिल्वेनिया क्षेत्र, बी अपलेशियन क्षेत्र, सी आंतरिक कोयला क्षेत्र, डी खाड़ी तटीय कोयला क्षेत्र। उत्तर है बी अपलेशियन क्षेत्र। प्रश्न 52। विश्व में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? ए चीन, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी भारत, डी रूस। उत्तर है ए चीन। पृष्ठ 340। प्रश्न 53। कोयला संसाधन की दृष्टि से संपन्न रूर औद्योगिक क्षेत्र किस देश में स्थित है? ए फ्रांस, बी पोलैंड, सी जर्मनी, डी ऑस्ट्रेलिया। उत्तर है सी जर्मनी। प्रश्न 54। विश्व में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? ए भूतपूर्व सोवियत संघ, बी जर्मनी, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी चीन। उत्तर है बी जर्मनी। प्रश्न 55। जर्मनी का सबसे महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है? ए वेस्टफोलिया क्षेत्र, बी सार क्षेत्र, सी आचेन क्षेत्र, डी सेक्सोनी क्षेत्र। उत्तर है ए वेस्टफोलिया क्षेत्र। प्रश्न 56। कजाकिस्तान स्थित करागंडा किससे संबंधित है? ए सोना, बी हीरा, सी कोयला, डी खनिज तेल। उत्तर है सी कोयला। प्रश्न 57। विश्व की सबसे बड़ी कोयला की खान बाकी किस देश में स्थित है?
ए कजाकिस्तान, बी जिम्बाब्वे, सी पोलैंड, डी जर्मनी। उत्तर है बी जिम्बाब्वे। प्रश्न 58, निम्नलिखित में से कौन कोयला उत्खनन हेतु प्रसिद्ध है? ए केपियाक, बी करागंडा, सी किरकुक, डी ट्रांसवाल। उत्तर है बी करागंडा। प्रश्न 59, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए एंथ्रासाइट कोयला की सर्वोत्तम किस्म है, बी विश्व में कोयला का सर्वाधिक संचित भंडार यूएसए में है, सी कोयला के संचित भंडार की दृष्टि से भारत का तीसरा स्थान है, सी विश्व में पाया जाने वाला अधिकांश कोयला बिटुमिनस प्रकार का है। उत्तर है सी कोयला के संचित भंडार की दृष्टि से भारत का तीसरा स्थान है। प्रश्न 60, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए विश्व में पाए जाने वाले कुल कोयला का मात्र 5% ही एंथ्रासाइट कोयला है, बी जर्मनी का सैक्सोनी क्षेत्र एंथ्रासाइट कोयले के लिए प्रसिद्ध है, सी बेल्जियम कोयला का आयातक देश है, डी साइलेशिया क्षेत्र पोलैंड का मुख्य कोयला क्षेत्र है। उत्तर है बी जर्मनी का सैक्सोनी क्षेत्र एंथ्रासाइट कोयले के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न 61, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? नंबर 1, चीन संसार में अग्रणी कोयला उत्पादक है। नंबर 2, यूक्रेन में डोनेट्स्क बेसिन प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। नंबर 3, जर्मनी में सार क्षेत्र प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। नंबर 4, संयुक्त राज्य अमेरिका में मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र अपलेशियन प्रदेश में है। उत्तर है डी सभी सही है, अर्थात चीन संसार में अग्रणी कोयला उत्पादक है। नंबर 2, यूक्रेन में डोनेट्स्क बेसिन प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। नंबर 3, जर्मनी में सार क्षेत्र प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। नंबर 4, संयुक्त राज्य अमेरिका में मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र अपलेशियन प्रदेश में है। प्रश्न 62, विश्व विख्यात डोनवास कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? ए यूक्रेन, बी रूस, सी कजाकिस्तान, डी किर्गिस्तान। उत्तर है ए यूक्रेन। प्रश्न 63, कुजवास कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ए कजाकिस्तान, बी यूक्रेन, सी रूस, डी पोलैंड। उत्तर है सी रूस। प्रश्न 64, रूर बेसिन कोयला उत्पादक क्षेत्र किस देश में स्थित है? ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी हंगरी, डी पोलैंड। उत्तर है बी जर्मनी। प्रश्न 65, निम्नलिखित कोयला उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा कोयला क्षेत्र चीन में नहीं है? ए शांतुक क्षेत्र, बी शांसी क्षेत्र, सी साइलेशिया क्षेत्र, डी चुंकिंग क्षेत्र। उत्तर है सी साइलेशिया क्षेत्र। प्रश्न 66, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम पोर्ट डार्विन एवं मैरी कैथलीन क्षेत्रों में पाया जाता है, बी बीवर लॉज एवं पोर्ट रेडियम संयुक्त राज्य अमेरिका के मुख्य यूरेनियम उत्पादक क्षेत्र हैं, सी विश्व में थोरियम का सर्वाधिक संचित भंडार भारत में है, डी भारत विश्व का सबसे बड़ा थोरियम उत्पादक देश है। उत्तर है बी वीवर लॉज एवं पोर्ट रेडियम संयुक्त राज्य अमेरिका के मुख्य यूरेनियम उत्पादक क्षेत्र हैं।